मजे जी, आपने मेहंदी के लिए खासतौर पर मेहंदी फेस्टिवल रखा था, खासतौर पर ईद के लिए, तो अब इसमें कितनी महिलाओं ने रजिस्टर किया था और अब तक कितने लोगों ने लगवाया है? देखिए, जैसे कि 2-2.5 साल बाद हम लोग सारे ही जो त्यौहार हैं इंडिया के, जो भी त्यौहार है, चाहे ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, कुछ भी हो, वो हम 2-2.5 साल बाद सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और अभी तो ईद है, रमज़ान है, तो जैसे आप देखते रहेंगे कि हमारी हर चीज़ ईद और रमज़ान को बेहतर बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक को मैनेज करना। और जैसे कि अभी ये ईद मेहंदी फेस्टिवल, जिसमें हम लोग ने मुमरा कौसा की लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाने का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक आप रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन 500 के ऊपर है, और अभी मेरे ख्याल से 100 लोग फिलहाल बैठे हैं, मेहंदी लग रही है जिन लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोग यहाँ पर एट प्रेजेंट है, नीचे लाइन लगी हुई है, टोकन्स बढ़ते जा रहे हैं उनको, और बराबर से बहुत वेल मैनेज्ड है। आप देख सकते हो काफ़ी लोगों की मेहंदी लग भी चुकी है, दे आर इवन गॉन होम। तो इस तरीके से हम लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा है। मर्जिया पठान ने जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, शायद मुमरा में पहली बार इस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ, तो आपका क्या रिव्यू है? मैम, बहुत अच्छा, मैं तो उसको मुबारकबाद दूंगी। पहली बार तो हम हाउस वाइफ को तो ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आज मर्जिया के वजह से हम लगा पाए ये मेहंदी, तो उसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारे जो जितने भी लोग हैं सब ये कंसिडर होते था कि हाउस वाइफ्स हैं बेचारे, नहीं एक जगह समय नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता है, फिर बच्चों को लगाना होता तो हमको नहीं, दोनों हाथ में नहीं लगा सकते एक साथ, तो इसीलिए एक साथ जो मेहंदी आर्टिस्ट है उनको भी हमने ऐसा सोच के मौका दिया है कि जो जो लोकल मेहंदी आर्टिस्ट भी है ना, हमने उनको मौका देने की कोशिश की ताकि उनका रोज़गार भी हो जाए, ईद के दिन, ईद के पहले उनको थोड़ी सी कमाई भी मिल जाए, एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने। कितने लोकल आर्टिस्ट जो मेहंदी के लोकल आर्टिस्ट, मेरे तकरीबन मैंने जो है 20 लोकल आर्टिस्ट है और 10 जो है वो मतलब लोकल सभी प्रोफेशनल ही है, पर आपको पता है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब बच्चियों ने कोर्स किया हुआ ही रहता है मेहंदी का। आप मेहंदी की डिज़ाइन देखें, एक से बढ़कर एक मेहंदी के डिज़ाइन, किसी सबकी मेहंदी के डिज़ाइन मैंने खुद सेलेक्ट किए, मतलब देख देखे कि कौन कितनी अच्छी मेहंदी लगाता है, और सब बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरे हर चीज़ की डिटेलिंग पे काम करके प्रोग्राम रखा। कैसा लगा आप मेहंदी, आपको अच्छी लगी या नहीं? जी, बहुत अच्छा लगा, और मर्जिया शानू पठान का बहुत शुक्रगुजार है हम, और हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको ऐसी तरक्की दे और ऐसे हम लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहे। इंशाल्लाह बच्चे लोगों को, बस मेरे बच्चों को सबको हौसला अफजाई आए, बस बच्चे आगे बढ़े।